एक क्लासिकल डांसर का कातिल स्कूल। दो टीचरों का स्पेशली हमेशा बोला कि वो उससे बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिसमें एक टीचर जो हमेशा उससे अश्लील हरकत करता था। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। दिल्ली के एक नामी स्कूल पर लगे हैं बेहद सनसनीखेज इल्जाम। नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने घर में मौत को गले लगा लिया। लड़की के मम्मी पापा स्कूल के टीचर्स पर लगा रहे हैं टॉर्चर और छेड़छाड़ के संगीन इल्जाम। सच्ची घटना में आज देखिए एक उभरती हुई क्लासिकल डांसर के खुदकुशी की दर्दनाक कहानी। वो एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर थी। मेरी बिटिया कथक डांसर थी, पढ़ाई के अलावा घुंघरू बांध के नाचती रहती थी। फेसबुक पे वो बनाती थी, एक्टिंग करती थी, सब बहुत पसंद करते थे उसको। वो एक उभरती हुई कलाकार थी। कहती नहीं मम्मी, मैं तो पढ़ लिख के भी बहुत अच्छा बनने वाली हूँ, सिर्फ डांस थोड़ी करने, मैं पढ़ लिख के भी बहुत बड़ा बनूंगी। वो मेरे को कहती थी कि भैया तू डायरेक्शन का कोर्स कर रहा है, मेरा ट्वेल्थ खत्म हो जाएगा, तो मेरी शॉर्ट फिल्म बनाइयो। वो एक जिंदा दिल लड़की थी। मेरी बिटिया ने एग्जाम दिया था, दिन रात पढ़ती थी सर, घर में दिन रात पढ़ती थी, पढ़ाई के अलावा घुंघरू बांध के नाचती रहती थी। लेकिन वो स्कूल में बनी हैवानियत का शिकार। एक टीचर ने टॉर्चर किया। वो मुझे हमेशा डेमोरलाइज करता है, बोलता है तुम किसी लायक नहीं है, सिर्फ नाचो सिर्फ गाओ, वो मुझे पास नहीं होने देगा। दूसरे टीचर ने टच किया। किसान ने दो टीचरों का स्पेशली हमेशा बोला कि वो उससे बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिसमें एक टीचर जो हमेशा उससे अश्लील हरकत करता था आकर। और टीचर से तंग आकर बेबस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। एक क्लासिकल डांसर का कातिल स्कूल। दो टीचरों का स्पेशली हमेशा बोला कि वो उससे बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिसमें एक टीचर जो हमेशा उससे अश्लील हरकत करता था। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली उस लड़की का परिवार दिल्ली से सटे नोएडा में रहता है। लड़की के पिता मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज के शिष्य हैं। अपने पिता से तालीम लेकर वो लड़की एक बड़ी क्लासिकल डांसर बनने के सपने देखती थी। मम्मी पापा को भी उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन करीब 24 घंटे पहले वो तमाम उम्मीदें, तमाम सपने फांसी के फंदे पर लटके मिले। स्कूल में अपने टीचर्स के टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी करने वाली छात्रा का परिवार नोएडा के सेक्टर 52 में रहता है। नौवीं में पढ़ने वाली छात्रा की लाश घर के बेडरूम में खिड़की से लटकी मिली। उसने एक कपड़े को फांसी का फंदा बना लिया था। नवीं क्लास की छात्रा को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। और इस समय के उस घर में हम मौजूद हैं जहां पर उसने आत्महत्या की, और ये वो जगह है जहां से लटक कर जो परिवार ने उसको यहां पर जिस हालत में देखा और यहां पर उसने खुदकुशी की। लड़की के भाई का कहना है कि मंगलवार को वो घर पर अकेली थी, मम्मी पापा काम के सिलसिले में बाहर गए थे। बड़ा भाई जब कॉलेज से लौटा तो बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। घर बंद था। सबसे पहले यहाँ पर के भाई पहुंचे थे और वो हमारे साथ हैं। जब आप घर आए थे क्या वक्त हो रहा था और क्या हुआ था उसके बाद? करीबन 4:30 बज रहे थे शाम के, मैं कॉलेज से आया था और मैंने गेट खटखटाया, नहीं खोला, घंटी बजाई, सो मेरे को लगा सोरी होगी। मैंने कॉल करा, कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल करा कि कहाँ पे है बताने के लिए, तो किसी ने कॉल नहीं उठाया, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद घबराहट हुई, फिर पापा पीछे से आए, हमने घर पूरा खटखटा, मैं वहाँ से चिल्ला रहा हूँ, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, आठ दिन गेट खोला है, हमने पूरा घर ढूंढा नहीं। तो फिर मेरे फादर को यहाँ पे दिखती है लाश टंगी। परिवार वालों का कहना है कि फांसी के फंदे पर लटकी छात्रा को उन लोगों ने नीचे उतार कर फौरन नोएडा के एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। गाड़ी में रखा और उसको हॉस्पिटल लेके जाए,
पंप करा, जो भी करा अपने बलबूते पे, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो बचा ही नहीं पाए हॉस्पिटल वाले। बेटी की मौत ने पिता को बदहवास बना दिया। अस्पताल के अंदर बेटी की लाश थी और बाहर पिता रो रो कर अपना दर्द बयान कर रहे थे। हमारी बिटिया ने एक महीने पहले बताया था कि पापा हमारे दो टीचर ना स्कूल के जो हमको SST पढ़ाते हैं वो ना मेरा शरीर टच करते रहते हैं। मैंने बोला कि बेटा ऐसा है ना, मैं भी तो टीचर हूँ ना, मैंने कभी किसी बच्चे को किया है नहीं पापा। तो मैंने बोला कभी गलती से छुआ होगा तो पापा मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है, मुझे ना ऐसा लगता है वो लोग फेल कर देंगे। अस्पताल के बाहर मौजूद तमाम दोस्त और रिश्तेदार छात्रा के पिता को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस पिता ने अपनी बाहों में फूल सी बच्ची की लाश उठाई हो वो भला खुद को संभाले भी तो कैसे। बेटी की मौत का दर्द कभी आंसू तो कभी गुस्सा बनकर बाहर आ रहा था। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एल्कॉन स्कूल के एक दर्जन टीचरों का मैं नाम बता सकता हूँ, एक दर्जन टीचर को मैं जानता हूँ जो बहुत ही घटिया है, बहुत ही निम्न स्तर के हैं। मेरा बच्चा बड़ा तड़पा होगा, मेरा बच्चा बहुत तड़पा होगा। मैं पापा को फोन करके आधे घंटे पहले करी, पापा मैं आपका बहुत वेट कर रही हूं, जल्दी आ जाओ। नौवीं की छात्रा के मम्मी पापा अपनी बेटी की खुदकुशी के लिए सीधे सीधे उसके स्कूल को जिम्मेदार बता रहे हैं। मम्मी पापा का इल्जाम है कि स्कूल के प्रिंसिपल और दो टीचर्स ने उसे इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गई। उसको एक तो बहुत डेमोरलाइज करते थे ये लोग, उसको नाचती गाती रहती है, कमर मटकाती है, उसके सीने पे हाथ रखता था, उसके कमर में हाथ रखता था, इससे वो डरती थी, इसी तरीके से वो ब्लैकमेल करता था। बच्ची के मम्मी पापा का कहना है कि इनकी बेटी एक बेहतरीन कथक डांसर थी, कई स्टेज शोज में उसके डांस की तारीफ हुई थी और वो कई अवार्ड्स भी जीत चुकी थी। कथक के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती थी। छात्रा के मम्मी पापा का इल्जाम है कि स्कूल के दो टीचर्स इनकी बेटी के डांस को पसंद नहीं करते थे। सोशल स्टडीज पढ़ाने वाला टीचर तो उसके डांस को लेकर अक्सर तानाकशी करता था और मौका मिलते ही उसे गलत ढंग से टच करता था। टीचर की इन हरकतों के बारे में लड़की ने कई बार अपने मम्मी पापा को बताया था। दो टीचरों का स्पेशली हमेशा बोला कि वो उससे बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिसमें एक टीचर जो हमेशा उससे अश्लील हरकत करता था, कि अपनी मम्मी से भी बोलती थी, मुझसे भी बोलती थी, खुल के बात करती थी। हमने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, आप अच्छे से पढ़ो। वो मुझे हमेशा डेमोरलाइज करता है, बोलता है तुम किसी लायक नहीं है, सिर्फ नाचो सिर्फ गाओ, वो मुझे पास नहीं होने देगा। दिल्ली के स्कूल की छात्रा ने अपने घर में खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में उसने परीक्षा में फेल होने का जिक्र किया है। लड़की के मम्मी पापा ने भी स्कूल के दो टीचर्स पर लगाए हैं उसे जानबूझकर फेल करने का इल्जाम। She did not fail. She had that retest. And her schedule for the retest was there, maybe after 2 days or so. So we pray to the Almighty that may her soul be rest in peace and the family be given all that strength to bear this pain. नौवीं क्लास की छात्रा की खुदकुशी के बाद मीडिया के सामने आए स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ इस अंदाज में सफाई पेश की। प्रिंसिपल साहब ने इस बात से इनकार किया कि छात्रा को फेल किया गया था, लेकिन छात्रा का रिपोर्ट कार्ड इनके इस बयान को झूठा साबित कर रहा है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक छात्रा को साइंस में 100 में से सिर्फ 27 और सोशल स्टडीज में 100 में से सिर्फ 17 नंबर मिले हैं। दोनों ही सब्जेक्ट में उसे ई ग्रेड दिया गया है, जिसका मतलब होता है फेल। परिवार वालों के मुताबिक स्कूल की तरफ से इनकी बेटी को परीक्षा देने का एक मौका और दिया गया था। वो पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन उसे बार बार एक ही डर सता रहा था कि पहले से खार खाए बैठे दोनों टीचर उसे किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। परिवार का आरोप है कि टीचर्स के डर ने उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि खुदकुशी से पहले छात्रा ने एक रजिस्टर में सुइसाइड नोट लिखा था, जो इस समय नोएडा पुलिस के कब्जे में है।
जो उनके आरोप हैं उन आरोपों की जैसे उसे जबरदस्ती फेल किया गया, हम कोशिश करेंगे कि उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को एक एक्सपर्ट बोर्ड द्वारा जंचवा दिया जाए। नोएडा पुलिस का दावा है कि तहकीकात के बाद छात्रा के सुइसाइड का पूरा सच सामने आ जाएगा। दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सच्ची घटना के लिए अंजलि सिंह की रिपोर्ट। एक उभरती हुई क्लासिकल डांसर के गुनहगार अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस दर्दनाक सच्ची घटना के पेश नजर हर माँ बाप से हमारी एक ही अपील है, आप अपने बच्चों से बात कीजिए, परीक्षा के तनाव और डर से बाहर निकालने में उनकी मदद कीजिए, उन्हें समझाएं कि एग्जाम तो हर साल होते हैं, पास और फेल तो चलता रहता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। सच्ची घटना में आज बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर, तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।